देखो तो। कल रात मैंने सपना देखा कि मैं सवाना गया था। यकीन नहीं होता ये इतना बड़ा हो गया है। मुझे पता है वो दोनों राजा जैसे दिखते हैं। आज सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया है बक्शा। अच्छा, तुम जा रहे हो, तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते थे। पर इतना याद रखना, मैंने हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। पता नहीं मैंने सिम्बा के निशानों को कैसे खो दिया। ये सिम्बा का पीछा क्यों कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये कुछ गड़बड़ करेगा। चलो रानी को बोलते हैं। सही कहा। क्या इसे सुलझाने में हम आपकी मदद करें? इसे यहाँ से जाने को कहो। मैं यहाँ पहले आई थी। तुम ये शांति से क्यों नहीं सुलझाती? तुम दोनों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बात सुलझे, ना कि झगड़ा हो। हम दोनों एक घोंसले में नहीं रह सकते, ये नामुमकिन है। एक साथ नहीं रहेंगे। सिम्बा एक दिन राजा बनने वाला है, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। ठीक है, मैं ऊपर वाला घोंसला ले लेती हूँ, तो अगले साल हम बदल लेंगे। मुझे पता था तुम ये कर सकती हो। सही काम किया। चलो चलते हैं बक्शा। देख लेना, एक दिन वो महान राजा बनेगा। सच में? मेरे पास नए हुकुम है। शेर खान जी ने कहा है कि आज रात को चट्टान के पास सब लोग मिलो, नहीं आओगे तो पछताओगे। आज रात हमारी नई शुरुआत है। अब क्या होगा रानी साहिबा, क्या कहेंगे? हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। रानी साहिबा का आदेश। रानी साहिबा, मुझे यकीन है कि लड़ाई होने वाली है और हम सब सिर्फ खड़े होकर देख नहीं सकते। तुम्हारा साहस देखकर लगा कि तुम कर सकते हो, लेकिन जब तक जरूरत नहीं तब तक हम नहीं लड़ेंगे। हमें अपने दोस्तों को आने वाले खतरे के बारे में बताना है। आवाज कैसी? चीतियों को लगता है कि शेरखान सिम्बा का पीछा करने की तैयारी कर रहा है। उसे मदद की जरूरत होगी, मैं सबको बताता हूँ। सावधान, शेरखान सिम्बा का पीछा करने वाला है। उसकी इतनी हिम्मत? ये खबर बिल्कुल पक्की है, यकीन करो दोस्तों। मैं उसे चुनौती देता हूँ, सिम्बा को हाथ लगा के दिखाए, वो पछताएगा। क्या उसे लगता है कि हम उसे ऐसा करने देंगे? ये मानना अच्छा तो नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन सच तो यही है कि शेर खान बहुत ताकतवर है, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे मुझे याद आया। सिम्बा, बकशॉट, तुम सही समय पर आए हो। क्या हो रहा है यहाँ? दरअसल शेर खान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन हमें समय से पता चल गया है, इसीलिए सभा बुलाई। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कौन ने बताया होगा? दरअसल वो अगस्त्य था, उसे एक चेतावनी मिली थी, चीटियों की रानी के दूत ने भेजा था। उन्हें यकीन है कि शेर खान लड़ाई की तैयारी कर रहा है। मैंने जंगल के सभी मित्रों को खबर कर दी है, तुम्हारे आवाज देते ही वो सभी मदद के लिए आएंगे। तुम हम सब के राजा हो सिम्बा। क्या तुमने वो सुना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शेर खान ऐसा करेगा। मुझे खुशी है कि तुमने हमारा साथ देने का निर्णय लिया है। सिम्बा को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ सिम्बा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है जो इस दरवाजे के पीछे है।
डरो मत मेरे दोस्त, ये तुम्हारी नियति का हिस्सा है। देखो सिम्बा, ये शाही पोशाक तुम्हारे लिए है। ये पवित्र पोशाक है जो सिर्फ जंगल का राजा पहन सकता है। ये तुम्हारे लिए है, तुम ही इसके सही हकदार हो। ये करता क्या है? ये तुम्हें अदृश्य करके बचाने की शक्ति देता है। इसका दायरा बड़ा है और ये तुम्हारे दोस्तों को बचाने में मदद करेगा। और ये पोशाक तुम्हें तब तक बचाएगी जब तक तुम सवाल नहीं पहुंच जाते। और वहां पहुंचकर इसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और जब तुम्हें सिंहासन मिल जाए तब तुम्हें इसे दोबारा मुझे लौटाना होगा। इससे काम करवाने के लिए तुम्हें इसे आदेश देना होगा। तो बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम तो एकदम राजा की तरह लग रहे हो सिम्बा। हाँ बेशक, ये बहुत अच्छा है। मुझे तो लगता है कि ये शाही पोशाक है, क्या मैं सही हूँ? सही कहा मोटू, और इसमें जादुई शक्तियाँ हैं जो हम सबको खतरों से बचाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता कभी भी। देखो कितना अच्छा है ना? ओ, बहुत खूब। लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ से? आर्बर इसकी रक्षा कर सकता है। बेशक। शुक्रिया आर्बर, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया सिम्बा को वो देने के लिए जिसकी इसको जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सवाना जाते वक्त कुछ हो, समझे? सुन के अच्छा लगा आर्बर कि आपको हमारी फिक्र है। खत्रा, खत्रा, दुश्मन आ रहे हैं। बड़ी सेना लग रही है। ये तो बंदर और पानी के भैंसे हैं। हम इतने को नहीं हरा सकते। अच्छा होगा सभी सिम्बा की पोशाक में छुप जाएं। चलो हम यहाँ से चलते हैं, पर मेरी शाही पोशाक के पास ही रहना तुम सब लोग, समझे? चलो चलते हैं। शुक्रिया आबर। वो हर तरफ है। वो सभी इसी तरफ आ रहे हैं। वो देखो गिद्ध। हम कर सकते हैं। हम उन्हें ऊपर नहीं जाने देंगे। मैं यही चाहता था, वो मेरे जाल में फंसने आ रहे हैं। ज्यादा देर मत रुकिए। चुप रहो तबाकी। वो हमारे लिए ही रुके थे। अपने आप को हमारे हवाले कर दो सिम्बा। हमने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है। इस तरफ, जल्दी करो। चलो पकड़ो। चलो, चलो, चलो। ओह, जल्दी करो, सब मेरी शाही पोशाक में आ जाओ। अरे ये नामुमकिन है, अभी तो यहीं पर खड़े थे सब। लगता है वो लोग कहीं गायब हो गए हैं।
हमें उन्हें ढूंढना चाहिए इससे पहले कि शेर खान आ जाए। हम उन्हें कैसे ढूंढे, हमें तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। मुझे नहीं पता, लेकिन हुजूर नहीं मानेंगे कि वो लोग गायब हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो रहा। मैं सपना देख रहा हूँ। चलो इनको सबक सिखाते हैं, चलो। ये सब पागल हो गए हैं क्या? चलो चलते हैं दोस्तों, मुझे लगता है इतना इनके लिए काफी है। देखो तो उन्हें समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे बंदरों को क्या हुआ? हुजूर थोड़ा अजीब हो गया, वो क्या हुआ कि वो देखा और गायब हो गए, वो पता नहीं। क्या गायब हो गए? मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या? अरे उन्होंने अपने पैरों के निशान छोड़े हैं, इसका हम पीछा कर सकते हैं हुजूर? ये तो बिल्कुल साफ है, पहाड़ की तरफ जा रहे हैं वो। गिद्धों को एक संदेश भेजो, उन्हें सिम्बा को घेरने के लिए कहो। चिल्लाते क्यों हैं? मुझे लगता है हम सबको आराम करना चाहिए, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगा तुम्हें भागना पसंद है बलू। लेकिन हम यहाँ बाहर नहीं सो सकते। मुझे पता है, मैं कोई सुरक्षित जगह ढूंढता हूँ। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, कुछ खाने को मिल जाता तो। मैं आराम करने के लिए ही कोई जगह ढूंढने जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना सिम्बा और बहुत देर मत लगाना। ठीक है, फिक्र मत करो। फिक्र नहीं कर रहा हूँ, जितनी जल्दी जगह मिलेगी उतनी जल्दी खाना मिलेगा। कितना अच्छा सोचता है वो। मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। पत्थरों के अलावा मुझे लगता है तुम्हें अपना जादुई कपड़ा हमारे लिए छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ सिम्बा, तुम परेशान लग रहे हो? हाँ? इससे तुम्हें मदद मिलेगी, जल्दी पहन लो। अगर शेर खान आया तो हम इससे सुरक्षित रहेंगे। हाँ सही कहा। जल्दी आना। सावधान रहना सिम्बा। अब क्या? तुमने शाही पोशाक पहनी है मेरे दोस्त। और चलने के लिए मत कहना। वो पोशाक बहुत कीमती है। छोड़ो अभी मोटू। भागो, इस बार वो जाने ना पाए। उन लोगों ने हमें देख लिया है, सब लोग यहाँ वापस आ जाओ। हाँ ठीक है। कहा वहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता ये काम कर रहा है। गुप्त संकेत होगा। बक्शॉट, क्या सिम्बा ने तुम्हें कोई गुप्त संकेत बताया है? बताओ। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। काश सिम्बा यहाँ होता तो हम सब गायब हो जाते। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? नीचे क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि हमें बेवकूफ बना सकते हैं। क्यों ना मैं बाहर जाकर उनका इधर से ध्यान हटाऊं? नहीं का, उन्होंने हमें घेर लिया है। पर उन्हें पता नहीं वो किससे पंगा ले रहे हैं। पकड़ो उन्हें।
सब बहुत पछताओगे। रुक जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। मोटू क्या करें अब? जल्दी करो, तुम लोग जाके सिम्बा को बुला के लाओ। तुम हम पे भरोसा कर सकते हो बकशॉट? गुफा बिल्कुल सही रहेगी। सिम्बा, जल्दी करो, जल्दी करो, बक्शॉट और बाकी सब पर हमला हुआ है। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे हो सिम्बा। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो शेर खान। सिम्बा कपड़े का इस्तेमाल करो जल्दी। देखो अब आपको मुझ पर यकीन हुआ? तुमने भी उन्हें गायब होते देखा? जी हुजूर। और अब मुझे पता है, बेहतर होगा कुछ करो। क्या करूं? मुझे भी गायब होना सीखना है। जी हुजूर, मुझे भी। तुमने सुना वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये लो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैं तुम्हें दिखाऊंगा फुटबॉल कैसे खेलते हैं, ये बहुत मजेदार है। कितना प्यारा है ये। बेचारा सैम, उसे आराम करना चाहिए। तुम आराम करो, तुम्हारे दोस्त यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हैं सैम, और हमेशा रहेंगे। वो ठीक हो जाएगा। निराश मत हो सिम्बा, यहाँ सब ने तुमसे उम्मीदें लगाई हैं। पर अब तुम्हें आराम करना चाहिए। याद रखना, तुम्हें तुम्हारा भी ख्याल रखना है। क्या सीधे अंदर जाना चाहिए? नहीं, हम सुबह तक इंतजार करेंगे। हम तब तक रुकेंगे जब तक सिम्बा अपने आप को हमारे हवाले न कर दे। जैसा आप चाहे हुजूर, मैं सबको बता देता हूँ। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। ताजी हवा, शायद बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए।
रास्ता होना ही चाहिए। सिम्बा ने अपनी सूझबूझ से अपने और अपने दोस्तों के लिए एक नया रास्ता तलाश कर लिया। गुफा में एक और दरवाजा था जिससे कि वो शेर खान की चाल से बच सके। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।